पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से एक दफ़ा फिर पथराव शुरू हुआ है और पंजाब पुलिस के जितने भी नौजवान हैं वो अपने रास्ते की तरफ गामजन है और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो उन पर शेल दोबारा शुरू कर दिए गए हैं और ये शेलिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये थमने को नहीं है और तमाम तर जितने भी डॉल्फिन अहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगहों से पथराव जो है वो दोबारा शुरू किए हुए हैं। वो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से पथराव किया जा रहा है और दूसरी साइड पर जो है वो पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं उनकी तरफ से इस तमाम सूरत हाल को रोकने के लिए जो है वो शेलिंग की जा रही है। दूसरी साइड पर अगर आपको धुआं नज़र आ रहा हो तो ये वो धुआं है जो इमरान खान साहब के घर के बाहर कैंप लगे हुए थे जब इमरान खान के घर के बाहर तमाम कारकुनान जो मौजूद थे उन्होंने कैंप लगाए हुए थे। कारकुनान जो है वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं और पथराव जो है वो मज़ीद उन्होंने बढ़ा दिया है। बिल्कुल ये करीब आ गए कारकुनान और इन्होंने पथराव जो है वो बढ़ा दिया है। इसलिए जो है वो थोड़ा मूव करना पड़ेगा लेकिन इस साइड पर आम जो है वो शहरी जो है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन ये कौन सी आज़ादी है, कौन सी जंग है, कौन सा जो है वो सिलसिला है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या ये आज़ादी है। अगर इसको आज़ादी कहते हैं तो फिर गुलामी बेहतर है क्योंकि ये जितने भी पुलिस अहलकार हैं ये भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं और इनकी माएँ भी, इनकी बहनें भी, इनके भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने घरों में बैठकर। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी हमारे भाई हैं, इनकी माएँ बहनें भी इंतज़ार कर रही हैं अपने घरों में बैठकर। तो खुदारा हमें थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए और हमें थोड़ा सा बाज आना चाहिए और दूर रहना चाहिए इन तमाम तर सूरत हाल से और कोशिश करें कि आप घर बैठे ना के ऐसी सूरत हाल में आके अपनी ही पुलिस के साथ आगे उलझे। इन तमाम सूरत हाल से दूर रहें ज़्यादा बेहतर है। जिस तरीके से पथराव किया जा रहा है, जिस तरीके से कारकुनान इस टाइम जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं, इस टाइम आप देख सकते हैं कि कारकुनान की तरफ से शेल्स जो है वो वापस फेंके जा रहे हैं और सूरत हाल जो है वो बिगड़ती नज़र आ रही है, सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही बल्कि बिगड़ती नज़र आ रही है। और भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ आप। एम्बुलेंस जो है वो कारकुनान के दरमियान फंस चुकी है और एम्बुलेंस ने अब पता नहीं कोई कारकुन है या फिर पुलिस का कोई जवान, लेकिन सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। ये तमाम जो शेल्स हैं कारकुनान और तमाम तर कारकुन जो है वो फिर एक दफ़ा अपनी पोजीशन संभाल कर जो है वो पथराव करने में मसरूफ है। एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइडों से जो है वो शेल किए जा रहे हैं और दोनों साइडों से कारकुन जो है वो पुलिस की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और पथराव करते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस और सोचना ये है कि क्या हम अपनी पुलिस के साथ अच्छा कर रहे हैं या फिर हमारी पुलिस अपने जवानों के साथ अच्छा कर रही है। सोचने और लम्हा फिक्रिया का इस टाइम टाइम है और यकीन करें फ़िज़ा इस टाइम बिल्कुल आलूदा हुई है, बिल्कुल आलूदा फ़िज़ा है। सांस लेना बहुत ज़्यादा इस टाइम मुश्किल है। अल्लाह पाक मेरा और मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको आगाह करता रहूँगा। अल्लाह ने कहा।